दोनों साथ में साथ आपका कौन सा गाना वायरल हुआ था जिससे आपको एक अलग ही नेम और फेम मिला हो? बापू का क्या रोल रहेगा? क्या आपको अगर पति पत्नी का रोल दे दिया जाए? फर्स्ट बार मिले थे तो फोटो भी नहीं खींचा रहे थे। और अभी हमारे साथ जो जोड़ी देख रहे हैं दोस्तों, वो इंस्टाग्राम से लेकर के यूट्यूब पे इतना वायरल है, खास करके मगी में इन दोनों का साथ वाला रील आता है। मगी और भोजपुरी में बिल्कुल आप लोग इतना प्यार देते हैं कि वायरल हो जाता है। तो स्वागत है सिमरन जी। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम यादव। इस चैनल को देखने वाले जितने हैं हमारे मगही समाज के लोग, लव यू, और ऐसा ही प्यार देते रहिए। बोला तो सबसे पहले जितने भी फैंस हैं ये चीज बता दीजिएगा, आप लोग का जो जोड़ी है इतना ज्यादा प्यार दुलार देते हैं, क्या ये जोड़ी कभी फिल्मों में देखने को मिलेगा? आ रहा है मगही में फिल्म, जरूर देखेंगे हम लोग। क्या आप रोल करिएगा? आप दोनों का क्या रोल रहेगा? क्या आपको अगर पति पत्नी का रोल दे दिया जाए तो आप बेहिचक करिएगा या फिर हिचकी आएगा कब? जो भी जो रोल दिया जाता है, आपको पता है कि जो रोल किरदार जो मिलता है आर्टिस्ट को वो डायरेक्टर देते हैं, ये आप तय नहीं कर सकते। और जब मूवी आएगा, चाहे वो कोई भी रोल हो, पति पत्नी का हो, दादा दादी का हो, कुछ कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या आपको अगर पति पत्नी का रोल मिले तो ज़्यादा अच्छा है, या जो होता है सौतन उतन अगर आ रहा वो ज़्यादा अच्छा है? कुछ भी मिले, आप लोग जब मूवी आएगा आप लोगों को दिखने को देखने को मिलेगा, तब आप लोग देख लीजिएगा कैसा लगता है, कैसे लोगों का रिस्पांस आता है, लोग कितना पसंद करते हैं। सोनू जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि हमेशा आप चर्चित में रहते हैं, सबसे ज़्यादा आपका वायरल ऐसा कुछ वीडियो या गाना जो जिससे आपको एक अलग ही नेम और फेम मिला हो? हमेशा हमें भैया जब हम रील से बनाते थे तो रील से तो लगातार मेहनत ही कर रहे थे, और करीब पाँच साल लगा ये सब करने में। और लोगों को जब पता चला, मगही समाज को पता चला, तब हमें अमित आशिक भैया हमें यहाँ बुलाए पटना, तब हम गड़ी गड़ी जाए में काम। आशीष भैया उस गाने में हमें काम दिए, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और भैया को कि हमें इतना लायक समझे, और आज हम यहाँ हैं। और कुछ लोगों का सपोर्ट रहा, मगर यहाँ पटना आए तो, और पटना में आज हैं तो आज अमित आशिक भैया की वजह से हैं, और नहीं तो आज हम वहीं रहते गया में। मगही से लेकर भोजपुरी तक रील्स में मान लें या शायद मॉडल और एक एक्टर में मान लें, तो आप दोनों का जोड़ी बहुत हिट है, क्या आपको ये पता है? ये लोगों को पता है, हमें तो एहसास नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, लोग बहुत अच्छे से हमें मिलते हैं, हमें अच्छे लहजे से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हर कोई की नज़र में अच्छे दिखते हैं, ऐसा हमें लगता है। एक अहम सवाल रहेगा कि आपके वीडियो देख करके बहुत सारे लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप से सवाल उठाते हैं या कॉमेंट करते हैं, ऐसा लोगों के किस तरह से आप जवाब दीजिएगा? आपको इतना बता दें हम कि हमारे कमेंट बॉक्स में एक भी निगेटिव कमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। हमें नहीं, हम देखें भैया, क्या सोनू भैया सिमरन से शादी कर लिए, ये निगेटिव क्या कब करेंगे, वो चीज़ तो खुलासा कीजिएगा। लोगों का सोच है ना, वो चीज़ लोगों का लगाव है, वो लोग नाम जोड़ते हैं इस वजह से, लेकिन निगेटिव कुछ भी नहीं है। हमारा कमेंट बॉक्स पढ़िएगा, बहुत सारा कमेंट रहता है, और बहुत लोग बहुत मतलब चार चार लाइन, पाँच पाँच लाइन, दस दस लाइन में हमें मतलब कमेंट करते हैं, और हमें अच्छा लगता है कि इतना सोचते हैं हमारे बारे में, इतना टाइम देते हैं, हमारा 20-20 मिनट का ब्लॉग रहता है, इतना टाइम देते हैं, और अच्छा रिस्पॉन्स है, आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका संपर्क सिमरन जी से कब और कैसे हुआ? ये अचानक हमें मिले थे, जैसे कि आप रील स्टार हैं, ये भी रील नए नए बनाने के लिए स्टार्ट की हुई, शायद आपको देख के, आपके जैसे स्टार को देख करके, शायद नहीं मतलब घूमने गए थे तो उनको देख लेते। रियल में या रील पे? रियल में किस जगह, कहाँ पे गया पे? कुछ भी नहीं, बहुत दिन हो गया, तो मतलब मिले और फोटो भी इनके तक ही चाहे थे। तो फर्स्ट टाइम जब मिले थे तो कैसा रिस्पांस मिला था इनसे, और अब कैसा रिस्पांस मिलता है? मतलब जब फर्स्ट बार मिले थे तो फोटो भी नहीं खिंचा रहे थे,
ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं। हम लोग मतलब इतना मतलब बहुत भीड़ था, बहुत ही भीड़ ज्यादा था ना उस समय, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे तो हम लोग साथ में करीब जब भी निकलते थे करीब 10 लोग लेकर निकलते थे, और ऐसा कुछ भी नहीं था, वैसा कुछ भी नहीं था, लोग भीड़ लग जाता था ना, तो हमें भी वीडियो बनाना रहता था। चलिए बिजी थे इसीलिए हो सकता है फोटो खिंचाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, या खिंचाए थे भैया ठीक है, आप पहले फोटो खिंचाने में प्रॉब्लम था या नहीं खिंचा पाए थे ये ना बोल रहे हैं? खिंचा लिए थे मतलब दिक्कत था ना कि मतलब दिक्कत थोड़ा हो रहा था। अब फोटो खिंचाने में कितना दिक्कत होता है उसको थोड़ा बताइए। बोलिए अब जो है सो फोटो खिंचाने में क्या प्रॉब्लम होता है? कुछ नहीं। ऐसा क्यों, क्या कुछ हो गया कि पहले फोटो खिंचाने के लिए सोचना पड़ता था आपको और आप फोटो खिंचाए या रील बनाए? अब हो गया क्या, हम दोनों साथ में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या सिमरन जी शादी कर लिए हैं रियल में या कोई सीन्स है? आप साथ में वीडियो बनाते हैं तो फोटो कैसे नहीं खिंचाएंगे? अच्छा आपका रील जो है डे, एक मिनट एक और सवाल रहेगा, आपका रील सोनू भैया और सिमरन जी आपका रील डे और नाइट दोनों रहता है? पता है क्यों, रील बनाने जाते हैं तो मतलब लेट हो जाता है तो रात में भी बना लेते हैं। वो नहीं कर रहे सुबह शाम दोनों रील आता है, वो कहना चाह रहे हैं नहीं नाइट का भी रहता है, नाइट का भी रहता है। तो क्या नाइट में रील बनाने के बाद लेट हो जाता 10-11 बजे तो सोनू जी क्या आपको घर आपके ड्रॉप करने जाते हैं? तो शायद हाँ गांधी मैदान पे मतलब ये अपने रास्ता और अपने ऐसा थोड़ा नहीं हम लोग अकेले में जाते हैं, मेरा भाई भी जाता है और सब भी जाते हैं। क्या कुछ हुआ जिंदगी बेहतर तरीके से बिताने के लिए लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं, डॉक्टर इंजीनियर बहुत सारे बन सकते हैं, क्या कुछ आपका शौक या मजबूरी रहा कि आपको एक्ट्रेस वाले लाइन में आना पड़ा? नहीं वैसा कुछ नहीं था। क्या कुछ आपका कौन सा गाना वायरल हुआ था जिससे आपको एक अलग ही नेम और फेम मिला हो? बाबू सोना। कौन सा? बाबू सोना। तो दोस्तों हमारे साथ हैं सिमरन जी और सोनू जी, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और इनका जोड़ी कैसा लग रहा है खास करके कमेंट में बताइएगा, और आप लोग क्या चाहते हैं कि ये दोनों मिल जाएं या सिर्फ एक्ट्रेस तक ही ठीक है, जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहिएगा अपने फैंस के लिए, लाखों करोड़ों फैंस आपको चाहते हैं, आपके रील को लगभग 10-10 मिलियन तक पहुँचा देते हैं, रील्स देखने वाले जितने भी हमें प्यार करते हैं और सबसे ये हम गुजारिश करते हैं जितने भी प्यार करने वाले हैं हमें देखने वाले हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे मिलते हैं और हमसे बात करते हैं, आज हमसे फ़ोटो खिंचाते हैं, हमें बहुत बहुत मतलब आप लोग शुक्रिया करते हैं कि आप लोग हमें इस लायक समझते हैं, और ये नाता हमेशा बना रहे ऐसा ही हमारा मगही समाज जैसे बढ़ रहा है, और ये मगही के लिए मगही भाषा के लिए हमारा मगही भाषा बहुत ऊपर जाए ऐसा ही आसमान छूता रहे, लव यू ऑल। सोनू जी शादी कब कर रहे हैं? शादी करेंगे 5-6 साल बाद। कोई ऐसे मॉडल सेलेक्ट हो गए हैं किनसे शादी करेगा? शादी तो माई बाप डिसाइड करेगा ना, पर पब्लिक का तो कहना है, सारे पब्लिक का कहना है, देख सकते हैं यहाँ पे कि सिमरन जी से आपका शादी हो तो पब्लिक खुश रहेगी, नहीं तो हो सकता है आपके रील में गंदा गंदा कमेंट देखने को मिल सकता है। नहीं जैसे देखिए कोई भी पब्लिक है, पब्लिक भी समझता है नहीं बात, जैसे पब्लिक भी माई बाप है, सही है? तो माँ बाप है तो माँ बाप अगर डिसाइड करता है कि बेटा को हम यहाँ शादी करेंगे, अब वहाँ से कैसे कटवा दी जाएगा, आपको मतलब पोस पाल के बड़ा किया है, अब वो कहेगा कि शादी तो यहाँ करेंगे तो वहीं करना पड़ेगा ना, वही होगा। तो दोस्तों पब्लिक का भी बातों को माना जाएगा, ऐसा नहीं है सोनू भैया बोले यूज एंड थ्रो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं से शादी करेंगे। वीडियो कैसा लगा बोलो जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।